हेलो सी एफ एवल वन कैंडिडेट्स मैं हूं गौरव काबरा सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे सी एफ एवल वन के एग्जाम्स जो डिफर होने वाले हैं उसके ऑप्शंस को लेकर के कुछ छोटे मोटे अपडेट्स सी एफ ए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे हुए हैं यस द स्टूडेंट्स एंड द कैंडिडेट्स हैव नॉट गॉट एनी ई मेल एज ऑफ नाउ बट येस देर आर फ्यू चेंजेस जो कि वेबसाइट पर देखने को मिल रहे हैं एंड उसके बाद से वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस वी हैव बिन फ्लडेड विथ मैसेजेस आज सुबह से ही एंड सो आई थॉट कि चलो लेट्स कनेक्ट द डॉट्स मैं आपको ये बताऊं कि क्या क्या चीज़ें वेबसाइट पे अपडेट हुई है वट डू सम पीपल नो जो कि शायद आपको नहीं पता हो सो वी वीट वी माइट बी एबल टू कनेक्ट सम डॉट्स हेअर सो लेट्स गेट अराउंड वट इज अवेलेबल एज ऑफ नाउ और ये डेफरल ऑप्शन पे जो मैंने पहले कहा था वो मुझे क्यों लगता है कि येस दैट इज गोइंग टू बी ट्रू हेअर करेक्ट सो so, बहुत लोगों के मन में बटरफ्लाइज हैं तो उनको सबको एक बार ट्राई करता हूँ अपनी तरफ से इंटरप्रेट करने का अगेन मैं जो इंटरप्रेट कर रहा हूँ वो सी एफ इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं आ रहा है सो सी एफ एंस्टीट्यूट की तरफ से जो भी ई आएगा दैट विल भी फाइनल बट येस एक बार की इंटरप्रिटेशन एज ऑफ नाउ जो कुछ भी है उसके ऊपर मैं देख लेते हैं एंड दिस इज ऑब्वियसली वीडियो फॉर दोस्ट हु आर कंसिडरिंग टू डेफर देयर एग्जामिनेशन आई एम नॉट सेइंग uh, कि आपको डेफर करना ही चाहिए बट आई नो दैट देर आर मेनी स्टूडेंट्स वो डोंट लाइक अनसर्टेनिटी दे आर मेनी स्टूडेंट्स वह आर नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन ये सब उनके लिए है सो so, एक बार सुन लीजिए यहां पे क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल है सबसे पहले सी एफ ए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अपने को यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं क्या क्या चेंजेस है ज़रा देख लेते हैं वेबसाइट पे बेसिकली ये चेंजेस आए हैं अपने जो कि पहले ही थे लेकिन अब उनमें डेट्स वेट्स वाला सिस्टम हटा दिया गया है यहाँ पे इन्होंने सी एफ ए लेवल वन कैंडिडेट्स के लिए ये लिखा है कि अगर आपने फेबररी में एग्जामिनेशन देना था और आपने अपना एग्जामिनेशन अपॉइंटमेंट भी ले रखा था देन यू आर एलिजिबल प्लीज नोट कीजिएगा इस पॉइंट पर यहां पर लिखा है इन्होंने यू आर एलिजिबल और उसके बाद इन्होंने बोला दैट एडिशनल डिटेल्स फॉर डेफरिंग योर एग्जामिनेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू बाया ई मेल जो कि अभी तक आपके पास नहीं आया अंडरस्टैंड टू ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स यानी कि इसी स्टेटमेंट में इन्होंने यह भी बोला दैट यू आर एलिजिबल अगर आपने फेब्रुरी में एग्जामिनेशन दिया है एंड यू हैव ऑल्सो शेड्यूल्ड योर अपॉइंटमेंट तो यू आर एलिजिबल वहीं पे अगर दूसरे पॉइंट में भी आए वहाँ पे भी यही बात लिखी है आपने फेब्ररी में एग्जाम दिया है देना है लेकिन आप एग्जामिनेशन सेंटर अभी तक अपॉइंट नहीं किया तब भी आप एलिजिबल हो और ऐसे में अगर आप एलिजिबल हो तो यू कैन डेफर योर एग्जामिनेशन जिसकी और डिटेल्स इंस्टीट्यूट अपने मेल में आपको देने वाला है यानी कि इधर ही जो सुबह कई बच्चे मेरे से पूछे थे कई कैंडिडेट्स मुझसे पूछे थे कि क्या हम एलिजिबल होंगे विल वी बी काउंटेड इन एलिजिबिलिटी तो मैं आपको बता दूं यहां पे जो लिखा है उसके हिसाब से तो आप एलिजिबल हो क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपका फेब्री में एग्जाम शेड्यूल्ड है अब आपने अपॉइंटमेंट लिया या ना लिया आप एलिजिबल हो एंड इफ यू आर एलिजिबल आपको इंस्टीट्यूट आज एक ई करने वाला है और उस ईमेल में दे विल गिव यू अ डेफरल ऑप्शन ये डेफरल ऑप्शन आप कोई भी एग्जामिनेशन में दे सकते हो क्लियर है ये 2021 के कोई भी विंडो में आप दे सकते हो यानी कि द ऑप्शंस राइट नाउ अवेलेबल आर आई थिंक मे जुलाई अगस्त एंड नवंबर ये चार आपके पास ऑप्शन फिलहाल अवेलेबल है अगेन और ज्यादा इंस्टीट्यूट का जो भी इंफॉर्मेशन आएगा उसके ऊपर जाएंगे एंड आई डू नॉट सी की मार्च का कोई ऑप्शन इंस्टीट्यूट अभी डेफर करने को देगा बिकॉज इट मेक्स नो पॉइंट कि फेब्रवरी के बच्चे मार्च में डेफर कर दें सो so, अभी तक का ये हिसाब किताब है एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जो है वो है ऑनलाइन प्रोक्टर टेस्ट एग्जामिनेशन आई सी uh, की इस पर भी कुछ और इंफॉर्मेशन आ सकती है आज के दिन अभी के लिए कुछ नहीं पता यहां पे इतना पता है कि यस इंस्टीट्यूट के अगर वेबसाइट के अपडेट्स के बारे में बात करें तो आप एलिजिबल भी हैं और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ये डेफरल का ऑप्शन मिलेगा बट अगेन इस चीज़ को रिकन्फर्म करने के लिए मैंने लास्ट टाइम कई कैंडिडेट्स को ये बोला था कि आप इंस्टीट्यूट को एक ई लिखो आप इंस्टीट्यूट को ट्विटर पे टैग uh, करके लिखो कि सर uh, हमें प्लीज क्लियर करें कि ये डेफरल ऑप्शन हमारे लिए है कि नहीं है एंड उस पर अपडेट्स आए हैं येस इंस्टीट्यूट हैज़ एक्चुअली रिवर्टेड टू दोज ई मेल्स थोड़ा लेट से ही सही बट वी हैव गॉट सम रिवर्ट्स एंड उन इंस्टीट्यूट्स उन सारे मेल्स के कुछ मेल जो है मेरे पास में है उसमें से एक मेल मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें इंस्टीट्यूट ने क्या बात लिखी है ये क्लियरली आपको मैं समझा देता हूं सो दैट वेबसाइट पे लिखी बात और मेल पे जो वापस इंस्टीट्यूट का रेस्पोंड आया है उन दोनों को हम कोरिलेट कर पाएँ एंड वी कैन श्योर अवर सेल्फ एज ऑफ नाउ की येस ये डेफरल ऑप्शन एक्चुअल में सबको मिलने वाला है एंड आज इसकी सूचना इसकी जानकारी आपको अपने मेल में मिलने वाली है सो so आइए एक बार देख लेते हैं कि अपने ये ऑप्शन कहाँ कहां अवेलेबल है तो जस्ट टू चेक दैट आउट ओके okay. सो so, ये है अपना मेल जो इंस्टीट्यूट की तरफ से आया था अपने ही कैंडिडेट को अपने स्टूडेंट को जिन्होंने ये मुझे फॉरवर्ड किया है सो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी कि भैया मेल करने में लेट हो गया वगैरह वगैरह बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे मैंशन एंड दे रिकन्फर्म दिस हमने इसी चीज़ को लेकर के कैंडिडेट्स को कहा था कि आप प्लीज ई करो इंस्टीट्यूट को और कन्फर्म करो कि अगर मेरा फेबररी में एग्जाम है तो क्या मुझे डेफरल मिलेगा क्या इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है वो मैं पढ़ देता हूँ सी इंस्टीट्यूट विल ऑफर ऑल फेब्ररी ट्वेंटी ट्वेंटी कैंडिडेट्स शेड्यूल्ड और ऑप्शन टू डेफर देयर एग्जामिनेशन टू अनदर सीबीटी एग्जाम विंडो इन 2021 एट नो एडिशनल कॉस्ट दिस विल बी रिकनफर्म और व्हाट टू से इंटीमेटेड एन ईमेल ऑन सेकेंड ऑफ फ़रवरी, इसके अलावा सी इंस्टीट्यूट विल ऑफर ट्वेंटी ट्वेंटी वन कैंडिडेट्स वापस उन्होंने यही बात लिखी है वेदर शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल यू विल गट योर ऑप्शन यानी कि अभी तक वेबसाइट पर बातें समझ में आ रही है उसके हिसाब से यू आर एलिजिबल यू विल गेट द डिफरल ऑप्शन और ई मेल पर भी इंस्टीट्यूट ने जो जवाब दिया उसके हिसाब से आप एलिजिबल तो हो हंड्रेड परसेंट आप एलिजिबल हो और ये डिफरल ऑप्शन आ रहा है अब बात आती है इंपॉर्टेंट कि क्या ये डिफरल ऑप्शन आपको कंसिडर करना है कि नहीं करना तो देखो इसके लिए मैं कोई नहीं हूं जो आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आप डिफर करो या ना करो आई कैनॉट फोर्स इट ऑन यू लेकिन आपको

मैं हूं कि आपका तीन हजार क्वेश्चन तक प्रैक्टिस होना चाहिए बिफोर यू गो ऑन टू गिव यूर एग्जामिनेशन लेकिन अगर आपका पंद्रह सो क्वेश्चन है आपने मॉत दिए नहीं दिए इट ड मैटर पर आपने रीडिंग पढ़ी है और कम से कम इंस्टीट्यूट के जो कोर करिकुलम है उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपने अभी तक सॉल्व किए हैं अगर आपने अभी तक इतना काम कर रखा है तब आपको डेफर नहीं करना चाहिए यू आर काइंड ऑफ़ प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन लास्ट पंद्रह बीस दिन जो आपको मिल रहे हैं उसमें अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे देन यू आर डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन ऑन द कॉन्ट्रैरी अगर आपका कोई सब्जेक्ट अभी तक बाकी है अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपका एफ बाकी है इकोनॉमिक्स बाकी है एथिक्स बाकी है कुछ भी ऐसा एक दो सब्जेक्ट बाकी है उसके बियॉन्ड आपको ऐसा भी लगता है कि आपका प्रैक्टिस दुरुस्त नहीं है आपने प्रैक्टिस इतनी ढंग से अभी तक नहीं की है यू शुड रिवैल्यूएट मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको डेफर ही करना चाहिए बट इट इज़ योर कॉल सोच समझ करके डिसीजन लीजिए दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कभी नहीं मिली इंस्टीट्यूट की तरफ से एंड दिस इज ऑब्वियसली कमिंग आउट बिकॉज ऑफ अनसर्टेन्टीज इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है और काफी परेशान रहे पिछले साल सारे कैंडिडेट्स तो इंस्टीट्यूट इज स्टिल गिविंग दिस ऑप्शन कि अगर आपको डिफर करना आप कर लो एंड फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो रहा है सो so, अदरवाइज आप करने जाते हैं तो आपके बहुत पैसे लगते हैं अभी ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है बहुत प्रूडेंटली डिसाइड कीजिए कि आपको डेफर करना है एग्जाम की नहीं करना बेस्ड ऑन वॉट यू हैव प्रिपेर टिल नाउ देर इज नो बडी एल्स वू कैन रिकमेंड डेफर करना है कि नहीं करना है इट इज यू वो विल हैव टू डिसाइड एंड ये डिसीजन आपको लेना है दो चीजों को इवेल्युएट करते हुए नंबर वन आर यू प्रिपेयर फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स एंड नंबर टू हैव यू प्रैक्टिस प्रैक्टिस में मैंने कहा एक स्टैंडर्ड मैंने सेट किया 1500 से 1600 सौ क्वेश्चन जो कि इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में अवेलेबल हैं जो कि कोर करिकुलम में आपको मिल जाते हैं अगर आपने उतना भी एक बार कर रखा है आई थिंक यू आर इन अ कंफर्टेबल स्टेट अगर आप इसके थोड़े से नीचे हो तो यू विल हैव टू पेस इट अप यू कैन स्टिल मैनेज लेकिन यस पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जानी चाहिए और प्रैक्टिस वाले जोन में आप आ जाने चाहिए टेक्निकली दिस इज़ द राइट टाइम के लिए बैठो के लिए तैयारी करते हैं तो कॉन्फिडेंट हो अभी एग्जाम मतलब के लिए भी कॉन्फिडेंट हो दैट इज ऑल दैट आई वॉन्ट टू से अभी डेफरल ऑप्शन आया नहीं है ई मेल्स आए नहीं है स्टूडेंट से मैंने सबको फोन कर करके पूछ लिया है सो so, ये वीडियो आपको डेफरल ऑप्शन ई मेल पर आने से पहले मिल रहा है इट माइट बी पॉसिबल की एक बार ई मेल आ जाए सारी बातें क्लियर हो जाए कब तक का यह डेफरल विंडो है कितने दिन में डिसीजन आपको लेना है यह सब क्लियर हो जाएगा आई ड्रॉप अनदर वीडियो जो कि आपको सारी चीजें रिकनफर्म करने में मदद करेगा सो एज ऑफ नाउ इज अ प्री ई मेल वीडियो जिसमें मैंने अभी तक के जितने भी सर्कमस्टांसिस है उनको आपके सामने रखा है एंड आईव क्लियर द पिक्चर एटलीस्ट मैं अपनी इंटरप्रिटेशन यहाँ पे आपको बता रहा हूं बाद बाकी आपको क्या लगता है जो कुछ भी लगता है कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा एंड अगर आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या कहीं आप फर्स्ट या कोई प्रॉब्लम्स है आप व्हाट्सएप कर देना हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा सो दैट इज इट अभी के लिए फिर इतना ही रखते हैं आई विल सी इन द नेक्स्ट वन तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए रुकिए मत डिफरल ऑप्शन जब तक नहीं आता प्लीज पढ़ाई करते रहिए इनफैक्ट आप भी जाता है तो भी पढ़ाई करते रहिए सो दैट इज इट असे यू इन द नेक्स्ट वन बाय